डाउटनट ऐप पर आप पूछ सकते हैं कक्षा 6 से 12 तक के मैथ्स का कोई भी सवाल। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोगों की जेई मेंस और एडवांस की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, जो क्वेश्चन आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ई रेज़ टू पावर पाई वर्सेस पाई रेज़ टू पावर ई, एंड वी हैव टू डिटरमाइन व्हिच वन इज बिगर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर आपके एग्जाम्स में देखे जाते हैं, जहां आपको दो नंबर्स को कंपैरिजन करना होता है और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं। तो गाइस, फर्स्ट ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड देन वॉच फॉर सॉल्यूशन। तो आई होप अभी तक आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके होंगे। तो लेट्स सी, देखते हैं आप में से कितने लोगों का आंसर करेक्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज हमें पता है कि पाई की जो वैल्यू होती है वो ई से बड़ी होती है। पाई होता है 3.14 के अराउंड और ई होता है 2.71 के अराउंड। तो पाई इज ग्रेटर देन ई, बट इन दोनों नंबर्स को हम एज सच डायरेक्ट तो कंपेयर नहीं कर सकते हैं। एक छोटी सी प्रॉपर्टी होती है एक्सपोनेंट्स की, अगर मैं आपको यहाँ बताऊं, जैसे कोई दो नंबर है, लेट से अज्यूम करिए एक 2 और एक है आपके पास में 3, तो वी ऑल नो 2 इज लेस देन 3, या फिर हम बोल सकते हैं 3 इज ग्रेटर देन 2। तो अब अगर 2 के ऊपर पावर कोई भी पॉजिटिव, लेट से मैंने जेड बोल दिया, लेट से, और मैंने यहाँ ये भी बोल दिया है कि जेड इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो 2 रेज़ टू पावर जेड भी क्या होगा, ऑलवेज 3 रेज़ टू पावर जेड से लेस होगा। सिमिलरली हमें पता है कि ई और पाई में क्या बड़ा है, पाई बड़ा है, ठीक है। तो अगर पाई की पावर जेड भी क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन ई रेज़ टू पावर जेड होगा, अगर दोनों की पावर सेम हो तो। मैं लिख भी देता हूँ, जेड इज ग्रेटर देन 0। तो सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों नंबर को इस तरीके से कन्वर्ट कर लूंगा कि इन दोनों की पावर सेम हो जाए। तो अब देखो, ई के ऊपर पावर पाई है और पाई के ऊपर पावर ई है, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों की पावर पाई ई बनाने की कोशिश करता हूँ। तो करूंगा क्या, इसको ई से मल्टीप्लाई भी करता हूँ, डिवाइड भी कर देता हूँ। तो देखो, ई की पावर, अब ई से डिवाइड किया तो क्या देगा, 1/e। अब ऐसा करता हूँ, इसको ब्रैकेट में ले लिया मैंने, और बाकी क्या देगा, अब ई से मल्टीप्लाई भी किया तो ऊपर आ जाएगा पाई। सिमिलरली दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, पाई, अब ऊपर क्या है, पाई नहीं है, तो इसे क्या करता हूँ, पाई से डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो आ जाएगा पाई ई। अब देखो, शायद आप लोगों को अब हिंट मिल गया होगा हम करने के वाले हैं। देखो यहाँ पे क्या है, पावर दोनों की सेम कर दी है मैंने। तो अब तो देखिए, अगर पावर सेम होती है तो जो हमारा बेस जिसका बड़ा होता है वो वैल्यू बड़ी होगी। तो अब हमें डिटरमाइन करना है कि ई रेस्ट पावर 1/e बड़ा है या फिर पाई रेस्ट पावर 1/π। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो तो ये जो दोनों एक्सप्रेशन है किस फॉर्म में लिखे हुए हैं, ये लिखा हुआ है एक्स रेस्ट पावर 1/x की फॉर्म में, इसी फॉर्म में लिखे हुए हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक बार एक्स की वैल्यू ई है और एक बार एक्स की वैल्यू पाई है। तो अब हमें बस ये पता लगाना है कि x रेस्ट पावर 1/x का कहाँ मैक्सिमा आता है, कहाँ मिनिमा आता है। तो अब हमने अपने क्वेश्चन को कर लिया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के क्वेश्चन में कन्वर्ट। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं अब काम करना, कैसे करना है देखो इसको। तो हमारा फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स रेस्ट पावर 1/x। अब इसे डायरेक्ट हम ऐसे कर नहीं सकते हैं, तो लॉग लेना पड़ेगा डिफ्रेंशिएशन के लिए। तो ln ऑफ y इज इक्वल टू 1/x ln ऑफ x। अब डिफरेंशिएट कर देते हैं दोनों साइड में, तो दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या देगा, 1/y, इस साइड आ जाएगा आपका dy/dx, ठीक है। इस साइड क्या हो जाएगा, देखिए 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/x2, तो आ जाएगा आपका ln ऑफ x इंटू -1/x2, एंड प्लस में क्या होगा, और नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, 1/x ऐसे ही रहेगा और ln x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो आ जाएगा आपका 1/x2। तो अगर आप देखोगे, देखो अब क्वेश्चन हो गया है सॉल्व कैसे, देखो dy/dx की वैल्यू आपकी क्या हो गई, यहाँ से देखो ये आ जाएगा इक्वल टू y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा सिंपल सा y क्या है, x रेज़ टू पावर 1/x। अब देखो 1/x2 कॉमन आ गया आपका 1/x2। अब बचा क्या आपके पास में, यहाँ से 1 और यहाँ से -ln x, तो आ जाएगा 1 ln of x, ठीक है, ये आ गया आपका डिफरेंशिएशन। अब एक चीज ध्यान देने वाली बात है, देखो x रेस्ट पावर 1/x और 1/x2, ये जो वैल्यू है ये हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है, क्योंकि ये y भी पॉजिटिव है क्योंकि x पॉजिटिव है और 1/x2 तो पॉजिटिव होता ही है। तो अब आपका जो dy/dx है उसका साइन किस पे डिपेंड करता है, ओनली 1 ln x पे। तो देखो 1 माइनस
ln of x, ये वैल्यू कब ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगी, कब तक ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगी, यहां से सिंपल सा अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी जब तक x इज लेस देन और इक्वल टू e रहेगा. तो मींस dy by dx इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो फॉर x लेस देन e, और अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन e हो गई तो आपका dy by dx हो जाएगा लेस देन जीरो. इसका मीनिंग क्या हुआ, देखो dy by dx पॉजिटिव का मीनिंग क्या होता है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, और लेस देन और इक्वल टू जीरो का मीनिंग होता है कि फंक्शन डिक्रीजिंग है. तो जैसे x रेज़ टू पावर 1 बाय x का ग्राफ कैसा रहेगा, कुछ ऐसा समझना चाहिए. मैं इसे रैंडम ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है. जैसे आपका यहाँ पे कहीं x इज इक्वल टू e है, तो इससे पहले तक कर्व का स्लोप पॉजिटिव है, देखिए ऐसे 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 ऐसे, ठीक है. अब जैसे ही e आता है तो उसके ऊपर स्लोप जीरो हो जाता है, एंड देन उसके बाद में फंक्शन का स्लोप डिक्रीज करने लगता है. तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे पाई क्या होता है, ई के बाद में आता है, तो पाई कहीं यहाँ पे होगा, है ना. पाई आपका यहाँ पे है, ई आपका कहाँ पर है, ई आपका यहाँ पर है. ई के ऊपर तो मैक्सिमम वैल्यू है, देखो क्योंकि ई तक तो फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और ई के बाद डिक्रीज होना चालू हो गई है. तो जो हमारा फंक्शन है, ये कौन सा फंक्शन है, एक्स रिस्ट पावर वन बाई एक्स, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर है, ई के ऊपर. तो ऑब्वियसली ई रिस्ट पावर वन बाई ई की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन हो जाएगी पाई रेस्ट पावर वन अपॉन पाई से. और अगर ऐसा है तो हमारा क्वेश्चन क्या था, ऊपर जाते हैं वापस से, देखिए हमारा क्वेश्चन था कि हमें अब यही तो डिटरमाइन करना था कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है. तो ऑब्वियसली अगर ई रेस्ट पावर वन बाई ई बड़ा है पाई रेस्ट पावर वन बाई पाई से, तो कौन सा नंबर बड़ा हो गया हमारा, ई रेस्ट पावर पाई इज ग्रेटर देन पाई रेस्ट पावर ई. तो इन दोनों में कैसा साइन आ जाएगा, इस तरीके का साइन आ जाएगा. तो आई होप आप में से बहुत लोगों ने क्वेश्चन ऑलरेडी सही किया होगा, तो जिन्होंने भी ये सही किया है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर ऑसम वीडियोस लाइक दिस. थैंक यू गाइस एंड ऑल द बेस्ट. डाउटनट ऐप पर आप पूछ सकते हैं कक्षा 6 से 12 तक के मैथ्स का कोई भी सवाल.